चाय पर चर्चा अभियान चल रहा है नरेंद्र मोदी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको गांधीनगर, जहां नरेंद्र मोदी 300 शहरों से जुड़ रहे हैं चाय की चुस्की पर। स्कूली एजुकेशन में टेक्निकल कोर्सेज को डालना चाहिए। सही है आपका कहना। देखिए, हमारे देश में पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अपने यहां गुजरात में एक बढ़िया शब्द है, भणतर, गणतर अने घड़तर, तीन शब्द हैं हमारे यहां शिक्षा में। ये बात सही है कि पहले जो शिक्षा परंपरा थी उसमें प्रैक्टिकल ज्ञान ये अनिवार्य हुआ करता था, स्वाश्रय का महत्व दिया जाता था, श्रम का महत्व दिया जाता था। पढ़ते पढ़ते जंगलों में लकड़ी काटने जाना होता था, पढ़ते पढ़ते सफाई का काम करे, सारी चीजें हमारे यहां थी। लेकिन समय परिवर्तित हुआ, आज अगर किसी स्कूल में कोई टीचर अपने स्कूल के बच्चों को संस्कारित करने के लिए अगर सफाई का कार्यक्रम रखता है और अगर कोई मीडिया वाला वहां पहुंच गया तो 24 घंटे दिखाता है ये स्कूल के टीचर बच्चों से सफाई करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो पता नहीं क्या से क्या तूफान खड़ा हो जाता है और सरकार भी डर जाती है, सरकार भी उस टीचर को ऊपर कदम वो परेशानी पैदा कर देती है। तो हमारे देश में एक सोच ऐसी बदल रही है जो पता नहीं कहां ले जाएगी। लेकिन हमारे स्कूलों में संस्कार तो है, श्रम की पूजा हो, श्रम का महात्म्य हो, श्रम का गौरव हो, ये कल्चर लाना बहुत जरूरी है और तभी तो समाज में जो साइकोलॉजिकल खाई है वो भरी जा सकती है और ये बहुत अनिवार्य है। पहले के समय में राजा का बेटा गुरुकुल में पढ़ता था उसको भी सफाई करनी पड़ती थी और गांव के गरीब का बेटा गुरुकुल में पढ़ता था उसको भी वही काम करना पड़ता था। समाज में साइकोलॉजिकल दूरी ना आए इसके लिए एक व्यवस्था थी, दुर्भाग्य से व्यवस्थाएं टूट चुकी है। आज स्किल डेवलपमेंट को सहज प्रकृति में लाने की जरूरत है। आप डिग्री से जीवन नहीं जी सकते, जीवन जीने के लिए हुनर होना जरूरी है, स्किल होना जरूरी है। और आपने देखा होगा विश्व के सभी देश के महापुरुष, विश्व के सभी देशों के राजनेता, उनके देशों के जो प्रमुख भाषण होते हैं, उनके महत्वपूर्ण पॉलिसी संबंध के डिस्कोर्सेज, उसमें अवश्य रूप से वे स्किल डेवलपमेंट के पर ही बोलते हैं। हर देश अपने अंदर अपने देश में स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहा है। आने वाले दिनों में दुनिया को करोड़ों करोड़ों स्किल मैन पावर की जरूरत पड़ने वाली है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। हम लोगों ने हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम में जितना ज्यादा स्किल डेवलपमेंट को हम बल देंगे, स्किल मैन पावर तैयार करेंगे, उतनी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। स्किल मैन पावर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आने की संभावना बढ़ेगी, स्किल मैन पावर होगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। इवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल मैन पावर आज बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि एग्रीकल्चर में भी ऑटोमाइजेशन हो रहा है। जितनी बड़ी मात्रा में स्किल को प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरी बात है, हमारे देश में बहुत कम संख्या के बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, ज्यादातर बच्चे 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर इतना जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं उन बच्चों को जीवन में क्या चाहिए? अगर वो ड्राइविंग सीखता है तो रोजी रोटी कमाने लग जाता है, कंप्यूटर चलाना आता है रोजी रोटी कमाने लग जाता है, बगीचे का काम करना आता है रोजी रोटी कमाना कर चल जाता है। स्किल डेवलपमेंट हमारे शिक्षा में एक अनिवार्य अंग के रूप में हमने विकसित कर रहा होगा और तभी हम स्किल मैन पावर तय कर पाएंगे और हर इंसान को, हर नौजवान को
सम्मान के साथ, आत्मगौरव के साथ जीने के लिए हम अवसर दे सकते हैं। तो श्रम पर जोर होना चाहिए शिक्षा में, यह कहना है नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि जिस श्रम पर एक दौर में, एक वक्त पर गौरव होता था लोगों को, उस श्रम से अब लोग भागते हैं और इसीलिए इस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो जो शुरुआत में उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार और कुशासन डायबिटीज के रोग की तरह है, तमाम बीमारियों को न्योता देता है, वो कटाक्ष कर रहे थे अन्य पार्टियों पर। कुछ और सवाल सुनिए। अध्यक्ष हैं जीने के लिए हम अवसर दे सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम चलते हैं पटना। हेलो हेलो, प्रणाम सर, नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार। प्रणाम प्रणाम भैया। मैं पटना से बोल रहा हूँ, गोपाल प्रसाद यादव, नेशनल तैराक। प्रणाम प्रणाम भैया। सर सवाल पूछिए सर, बिहार के तरफ से सवाल पूछिए सर। नरेंद्र जी को प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। चाहते हैं सर, सर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। एक चाइल्ड इतने बड़ा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है सर? बिहार का तरक्की कीजिए सर, हमारे हमारे बिहार में बहुत गरीबी है, पानी का, बिजली का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, बिहार में गिर के शेर को बिहार की जनता का हार्दिक अभिनंदन। सर बिहार में बहुत बेरोजगारी है सर, इस बार आप देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप भारत देश का विकास करें। आप आपकी चिंता सही है। देखिए सिर्फ बिहार नहीं, हिंदुस्तान के कई प्रदेश हैं जहां पर आजादी के 60 साल के बावजूद भी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हम अपने भारत माता के चित्र के सामने देखें तो उसका जो पश्चिमी हिस्सा है भारत माँ का, उसमें तो कुछ आर्थिक गतिविधि नजर आ रही है, लेकिन जो भारत माँ का हमारा पूर्वी हिस्सा है जहां विपुल मात्रा में प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी हैं, पानी है, जल है, जमीन है, जंगल है, खनिज है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां विकास नहीं पहुंचा, विकास नहीं हुआ। अगर हमें भारत को आगे ले जाना है तो भारत के भीतर ही ये जो असंतुलन है इसको सबसे पहले ठीक करना होगा। पश्चिम आज जहां तक भारत का पश्चिमी हिस्सा पहुंचा है, तत्काल हमने पूरब को वहां तक तो ला करके रखना ही होगा। अगर हमारा ये डिस्पेरिटी रही, दोनों के बीच में असंतुलन रहा, तो अपनी भारत माता कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश से मैं लखनऊ के नागरिकों की तरफ से आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ
हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है, स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। पद्मकांत लखनऊ उत्तर प्रदेश से, लखनऊ के नागरिकों की तरफ से आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। पिछले कुछ वर्षों में तो ये और भी बदतर हो गई है। चोर बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, इन पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। पुलिस को ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल पावरलेस है और आम लोगों की कोई मदद नहीं करना चाहती है। हमारा प्रदेश वोट बैंक राजनीति का एक विक्टिम बन गया है। हम सबकी यही उम्मीद है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे प्रदेश को इन सबसे निजात मिलेगी। ये बात सही है कि जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस में सबसे प्रमुख बात आती है सामान्य मानवी की सुरक्षा। कानून व्यवस्था एक गुड गवर्नेंस का प्रथम कर्तव्य बनता है, और अगर कानून व्यवस्था नहीं है, सुख चैन की जिंदगी नहीं है, चोर लुटेरे बदमाश सामान्य मानवी के जीवन को परेशान करते हैं, तो वहां पर अच्छे काम, अच्छी स्थिति, अच्छे लोग, सबका पलायन हो जाता है। कोई नया व्यक्ति वहां व्यापार उद्योग के लिए आने की हिम्मत नहीं करता। अब उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी है। सिर्फ आगरा नहीं, हिंदुस्तान के लोगों को उत्तर प्रदेश में आने के लिए कई ऐसे स्थान है जहां आने का उसका मन कर जाए। वहीं पर हमारे यहां कुंभ का मेला होता है, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन अगर कानून व्यवस्था चरमरा जाती है तो टूरिस्ट भी नहीं आएगा, व्यापार धंधा करने वाले लोग नहीं आएंगे, वहां के लोगों का जीवन भी असुरक्षित हो जाएगा। और इसलिए मैं आपकी चिंता के साथ शत प्रतिशत सहमत हूं कि गुड गवर्नेंस में कानून व्यवस्था एक प्राथमिक बात होनी चाहिए। हमारे देश के संविधान के तहत कानून व्यवस्था ये राज्य का विषय है, केंद्र ने उसमें दखल नहीं करनी चाहिए। केंद्र का काम होना चाहिए कि उनकी कुछ कमियां हैं तो उनको मदद करे, साधनों की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करे, ट्रेनिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़े तो वो करे, मदद सब करे, लेकिन उस राज्य को मजबूत बनाए, राज्य को ताकतवर बनाए। और राज्य जो कि कानून व्यवस्था इस विषय को संभालता है, कभी कभी तो मैं देखता हूं आजकल क्या होता है, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो सेंटर और स्टेट के बीच में ही झगड़ा हो जाता है। सेंटर कहता है कि हमने इंटेलिजेंस का इनपुट दिया था, स्टेट कहता है आपका इंटेलिजेंस इनपुट एक्शनेबल नहीं था। इसी विवादों में जो देश को तबाह करने वाले लोग हैं उनको मौका मिल जाता है। उसी प्रकार से आजकल गिरोह जो होते हैं एक स्टेट में रहते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर ऑपरेट करते हैं, तो इन सारी स्थितियों को निपटने के लिए आज टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल कर सकती है। हम सारे देश में कॉमन अगर उस प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलप करें, और जितने भी इस प्रकार के एंटी सोशल हैं, गुंडे हैं, जिनका हिस्ट्री सिटर है, उनके रिकॉर्ड अगर अवेलेबल हैं तो उनको जानना पहचाना बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक गुनहगार एक जगह पे पकड़ा जाए और जगह पे उसने गुनाह किया, लेकिन औरों को पता नहीं कि वो वहां पकड़ा गया है। टेक्नोलॉजी से हम सबको पता दे सकते हैं कि भाई ये गुनहगार पकड़ा गया है, तो बाकी सारे उसके गुनाह भी उसको खोज के निकाले जा सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि एक देश भर के अंदर अच्छा टेक्नोलॉजी का कॉमन नेटवर्क सबको मिल जाए, राज्यों को केंद्र की मदद से अपने आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस को
आधुनिक बनाने के लिए बल मिला जाए, अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, तो आवश्यक स्थितियां बदली जा सकती है। लखनऊ भी हमारा, उत्तर प्रदेश भी हमारा शांत सुखी राज्य बन सकता है। तो सवाल उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से बदहाल है उसको लेकर चिंता जाहिर की एक नागरिक ने, और उसी पर सवाल दे जवाब दे रहे थे नरेंद्र मोदी पूरी अपनी थ्योरी और कैसे केंद्र वर्सेस राज्य एक जंग छिड़ जाती है किसी भी घटना के बाद, उसको लेकर क्या रास्ता आगे का हो सकता है, इसी सब पर अपना विचार प्रकट करते हुए नरेंद्र मोदी। दिलचस्प है, तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुड़गांव में भी लोग बड़े मॉनिटर से चिपके हुए हैं, इधर लखनऊ में भी वही, और इधर अहमदाबाद में तो साक्षात बैठे ही हुए हैं नरेंद्र मोदी। अलग अलग जगहों से हम आपको दिखाएंगे सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, पटना से लेकर मुंबई में हर जगह से लोग जुटे हुए हैं और इसी तरह से जुड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से। 300 शहरों को टारगेट कर रहे हैं मोदी। आप चाय की चर्चा में शामिल हूँ और सर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या सरकारी नौकरी उच्च पदों पर प्रोफेशनल्स की भर्ती होनी चाहिए कि नहीं, ताकि हमारे जो सरकारी विभागों का कामकाज है वो अच्छी इम्प्रूव हो और जनता को सबसे ज्यादा लाभ हो। आप IIT वाले हैं इसलिए बड़ा तगड़ा सवाल पूछ लिया आपने। ये बात सही है कि दो समस्याओं को देश फेस कर रहा है। जो हाईली टैलेंटेड मैन पावर है वो ज्यादातर MNCs में जा रहा है, कॉरपोरेट हाउस में जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहा है। बहुत कम हाईली टैलेंटेड लोग हैं जो IAS IPS कैडर में जाना पसंद करते हैं, और इसलिए और IAS IPS में आते हैं उनको भी कभी मन करता है कि चलिए अब सरकार में बहुत काम कर लिया, हमें जल्द से बाहर जाने का थोड़ा मौका मिले, बाहर जाकर के हम कोई कंपनियों में जाकर के आ जाए। तो सरकार के कामकाज का कल्चर और पढ़े लिखे नौजवान जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं उनका वर्क कल्चर, इसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर हो रहा है और इस अंतर को कैसे भी करके हमें मिटाना होगा। और इसे पहली आवश्यकता होती है कि सरकारों के वर्क कल्चर को हम अधिक प्रोफेशनल कैसे बनाएं। अधिक प्रोफेशनल बनाने के लिए जो कॉरपोरेट वर्ल्ड कल्चर के लोग हैं और सरकार का नेतृत्व करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन दोनों के बीच में समय समय पर तालमेल बढ़ना चाहिए। आपको जानकर के आनंद होगा, आप तो IIT के लोग हैं, मैं जब पहली बार हमने सरकार बनाई तो मैं मेरे सारे मंत्रिपरिषद को लेकर के IIM में पढ़ने के लिए गया था, और IIM में जाकर के हम सभी मंत्री सभी सचिव 3 दिन वहां जाकर के आधुनिक क्या सोच है उसको समझने का प्रयास किया था, और उसके कारण हमारा भी सोच में बदलाव आया था। तो ये इंटरफेस की व्यवस्थाएं हमने विकसित करनी चाहिए। दूसरा प्रयोग ऐसा हो सकता है कि ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो भारत सरकार ने एक निर्णय किया है, कानूनन बनाया है कि सभी कॉरपोरेट हाउस को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते 2% रुपए कम खर्च करने की, ये जो 2% खर्च करने का काम है उसमें कॉरपोरेट का टॉप मोस्ट स्किल वाले लोग और सरकार के जिनको हम ट्रेन करने चाहते हैं वैसे लोग भी अगर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने प्रोजेक्ट के लिए साथ काम करते हैं तो दोनों को एक दूसरे के काम का अनुभव मिलेगा और एक बैलेंस डेवलपमेंट की संभावना पैदा होगी। उसी प्रकार से सरकार ने और समाज ने मिलकर के कुछ काम करने चाहिए, कुछ चीजें और ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए स्टेट का स्पोर्ट्स का इवेंट है, स्पोर्ट्स का इवेंट हो तो राज्य
दो तीन कॉर्पोरेट हाउस को कहे कि भाई इसमें आप पार्टनरशिप कीजिए और आपके टॉप मैनेजरियल लोग हैं वो हमारे साथ जोड़िए, सरकार में बैठे हुए लोग उनके साथ काम करेंगे, एक नए वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस होगा। और इसलिए साथ साथ काम करने के अवसर बढ़ाने चाहिए। प्राइवेट वर्ल्ड अलग हो जाए, हमारा वर्ल्ड अलग हो जाए तो हमें फायदा नहीं होगा। मैं एक अनुभव बताता हूं, सरकार में एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, उस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जो सरकारी नौकरी में आए हैं उनको लिखने की आदत है, इसकी गारंटी नहीं है। उनका कैमरामैन है तो उसको कैमरा चलाना आता ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है।